हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज नेट। दोस्तों, दुनिया के सबसे पुराने जूतों से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी केबल कार तक, और एक ऐसा देश जिसने सबसे पहले क्रिश्चियनिटी को अपनाया था, और एक ऐसी नरसंहार की कहानी जिसमें करीब 15 लाख से भी ज्यादा लोगों को मार दिया गया, ऐसे काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट इस देश को बाकी देशों से अलग बनाती है। वैसे तो आर्मेनिया देश सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद बनाया गया, पर इसके बावजूद यहाँ पर एक काफी पुराना इतिहास देखने को मिलता है। वैसे तो यह कंट्री ग्रेटर मिडिल ईस्ट के अंदर एक काफी ब्यूटीफुल और एक यूनिक कंट्री के रूप में देखी जाती है, जो अपने ब्यूटीफुल लैंडस्केप, क्विजीन और कल्चर के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। वहीं देश के इतिहास में आज भी काफी सारे राज छुपे हुए हैं। साल 2011 में आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर एक सर्वे किया और यहाँ के विलेज अरिनी के अंदर इस सर्वे को किया गया, और इस गाँव के अंदर काफी सारी केव मौजूद थी, और उन्हीं केव्स के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज निकाला दुनिया के सबसे पुरानी वाइनरी, और इस केव के अंदर काफी सारे इक्विपमेंट ऐसे मिले जो इस बात के सबूत थे कि यहाँ पर काफी ज्यादा अमाउंट में वाइन का प्रोडक्शन किया जाता था। इसके साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ की एक दूसरी केव के अंदर दुनिया के सबसे पुराने चमड़े के जूते मिले, जिन्हें आज के समय यहाँ के म्यूजियम के अंदर रखा गया है। इस तरह की काफी सारी पुरानी चीजें इस विलेज के अंदर से कलेक्ट की गई। दोस्तों, क्रिश्चियनिटी आज के समय एक ऐसा रिलीजन है जो आपको पूरी दुनिया के अंदर देखने को मिल जाता है, पर ऐसा कहा जाता है कि किंगडम ऑफ आर्मेनिया एक ऐसी प्लेस थी जिसने सबसे पहले क्रिश्चियनिटी को अपनाया था। इस देश के अंदर करीब 4th सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी को अपनाया गया, जहां इस देश के काफी पड़ोसी देश एक अलग रिलीजन को फॉलो करते थे, उसके बावजूद इस देश ने क्रिश्चियनिटी को अपनाया था। साल 1915 के बाद काफी सारे आर्मेनियंस आर्मेनिया छोड़कर दूसरी कंट्रीज के अंदर जाकर बस गए हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग यूएस, रशिया और फ्रांस जैसी कंट्री के अंदर जाकर रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि करीब 50 लाख आर्मेनियन निवासी आर्मेनिया के बाहर रहते हैं, और आर्मेनिया के अंदर करीब 30 लाख लोगों की ही पॉपुलेशन रहती है, मतलब ज्यादातर आर्मेनियन निवासी आर्मेनिया के बाहर रहते हैं। आज के समय चेस गेम को पूरी दुनिया में खेला जाता है, और भारत के अंदर भी इस खेल को काफी पुराने समय से खेला जाता है, और ऐसा भी कहा जाता है कि इस खेल की शुरुआत भारत से हुई थी। पर क्या आप जानते हैं कि आज के समय आर्मेनिया के अंदर चेस गेम को काफी पॉपुलर स्पोर्ट के रूप में देखा जाता है, क्योंकि सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद इस देश ने चेस गेम के अंदर काफी सारे मेडल जीते हैं। आर्मेनिया देश को एक ऐसी कंट्री के रूप में भी देखा जाता है जिसने काफी ज्यादा चेस ओलंपियाड जीते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ऑटोमन एम्पायर को ही टर्किश एम्पायर के नाम से जाना जाता है। साल 1915 के अंदर ऑटोमन सरकार ने करीब 1.5 मिलियन यानी कि करीब 15 लाख आर्मेनियाई लोगों को मारने की योजना बनाई थी, जिसे आज के समय आर्मेनियाई नरसंहार के रूप में जाना जाता है, और उस दौरान करीब 15 लाख आर्मेनियाई लोगों को मार दिया गया। पर आज के समय तुर्की इस बात से पूरी तरह इनकार करता है, लेकिन 28 देशों की सरकारें, जिनमें ब्रिटेन, रूस और फ्रांस कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो इन घटनाओं को नरसंहार के रूप में मान्यता देती हैं। दोस्तों, किसी भी देश का नेशनल सिंबल उस देश की पहचान होता है, पर क्या आप जानते हैं कि आर्मेनिया देश का नेशनल सिंबल आज के समय तुर्की के अंदर मौजूद है। बर्फ से ढका माउंट अरारत आर्मेनिया के अंदर एक प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जाना जाता है, और कई आर्मेनियाई लोग इसे पवित्र मानते हैं। पर आज के समय इस माउंटेन का हिस्सा तुर्की के अंदर आता है, और इसके अलावा इस माउंटेन का कुछ हिस्सा पर्शिया और रशिया के अंदर भी आता है। आर्मेनिया देश के अंदर आपको दुनिया की सबसे पुरानी कैपिटल सिटी देखने को मिलती है। आर्मेनिया कंट्री की राजधानी येरेवन दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए शहरों में से एक है, जिसका निर्माण रोम से करीब 29 ईयर पहले हुआ था। दोस्तों, येरेवन सिटी को पिंक सिटी के रूप में भी जाना जाता है। येरेवन के अंदर पिंक कलर के वॉल्केनिक रॉक मौजूद है, और इन चट्टानों का इस्तेमाल घर बनाने के लिए किया गया है, जिसके वजह से इस सिटी की ज्यादातर बिल्डिंग पिंक कलर की देखने को मिलती है, और इसके वजह से सिटी को पिंक सिटी के रूप में भी देखा जाता है। दोस्तों, आर्मेनिया के अंदर एक काफी पॉपुलर ब्रेड को खाया जाता है, और यह ब्रेड इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि इसे यूनेस्को की लिस्ट के अंदर भी रखा गया है। इस आर्मेनियन क्विजीन को ईयर 2014 के अंदर यूनेस्को के अंदर लिस्ट किया गया। आर्मेनिया एक ऐसा देश है जहाँ पर काफी ज्यादा बर्ड स्पीशीज मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि यूरोप की करीब 530 बर्ड स्पीशीज में से 345 आपको
आर्मेनिया के अंदर देखने को मिलती है, जिनके अंदर स्वान, फैल्कन और ईगल काफी पॉपुलर बर्ड स्पीशीज मानी जाती हैं। इसके अलावा इस कंट्री के अंदर काफी ज्यादा स्टॉर्क पंछी मिलते हैं, जिसे हम सारस के नाम से जानते हैं, और इसे आर्मेनिया के अंदर एक पवित्र जानवर के रूप में माना जाता है। दोस्तों, केबल कार के अंदर बैठना काफी लोगों को पसंद होता है, क्योंकि केबल कार में बैठने के बाद आपको काफी अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं। पर आज के समय आर्मेनिया के अंदर एक ऐसी केबल कार मौजूद है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर शामिल किया गया है। आर्मेनिया के अंदर सबसे लंबी नॉनस्टॉप डबल डेकर केबल कार मौजूद है, जो करीब 5752 मीटर लंबी है, और ये शानदार केबल कार दो गांवों को कनेक्ट करती है। इसके अलावा ये केबल कार वेरोटन नदी के ऊपर से होकर गुजरती है, जिसके वजह से काफी सारे टूरिस्ट इस केबल कार में बैठना काफी पसंद करते हैं। आर्मेनिया देश और पड़ोसी अजरबैजान देश के बीच वर्षों से संबंध काफी खराब हैं, और दोनों देश तकनीकी रूप से अभी भी युद्ध के अंदर हैं। ऐसा कहा जाता है ईयर 1994 के बीच इन दोनों देशों के बीच संबंध काफी खराब हो गए थे, जिसके बाद रूस को बीच में आना पड़ा और इन दोनों देशों ने युद्ध विराम पर सिग्नेचर किए थे, लेकिन उसके बाद भी इन दोनों के बीच युद्ध हुए हैं। दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और इस वीडियो को आप लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। इसी तरह की काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगी, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और उसके लिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। दोस्तों, मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।